गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मन्नस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं इवनिंग टाइम हो रहा है तो मैं आ गई किचन में, तो सोची चाय दे दूँ बना के इनको, और चाय के साथ सोची कुछ बना देती हूँ स्पेशल। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ फूलगोभी टिक्का, तो दिखाती हूँ मैं फूलगोभी टिक्का कैसे बना रही हूँ 2 मिनट रुकी। तो फूलगोभी को कट करके नमक हल्दी डाल के इसको बॉयल कर रही हूँ। बॉयल करने के बाद ये है बेसन, इसमें कुछ मसाला वगैरह मैं डाली हूँ, इसको इसमें कोटेड करूँगी। करने के बाद फिर इसको नॉनस्टिक पैन में हल्का सा मस्टर्ड ऑयल डाल के, या आप बटर खाना चाहें तो बटर या घी कुछ भी डाल के उसको डाल दीजिए, डाल के ढक दीजिए, बहुत अच्छा बनता है। मैं सोचती हूँ ये इतना मेहनत करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, इतना हेल्थ कॉन्शियस है, तो इनको कुछ अनहेल्दी चीज़ क्यों दूँ। मैं पास्ता बनाने वाली थी, मैं सोचती पास्ता नहीं बनाऊँगी, ये चीज़ थी। फूलगोभी इनको पसंद भी है बहुत और अच्छा भी लगेगा खाने में। तो कल मैं पनीर टिक्का दी थी तो आप लोग देखे ही। तो मैं अभी रिकॉर्ड करने वाला कोई भी नहीं है, बेटी सोई हुई है, ये भी बिजी है थोड़ा, तो मैं सोची जितना हो सके उतना ही मैं दिखा देती हूँ आप लोग को, फिर मिलती हूँ आप लोग से। और यहाँ पे मेरी बेटी फिर उठ गई सो के, तो फिर वो रिकॉर्ड करने लग गई, तो फिर होने लग गया, नहीं तो फिर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती। ये फूलगोभी मैं उसमें नमक और हल्दी डाल के अच्छे से बॉयल कर ली हूँ। बॉयल नहीं होगा तो ये फिर जो टिक्का की तरह जो हम लोग सेकेंगे तवा पे, तो वो अच्छे से फिर कच्चा रह जाएगा, पकेगा नहीं अच्छे से, इसलिए उसको अच्छे से बॉयल करने से ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस बॉयल हो गया, बॉयल करने के बाद जो मसाला रखी हुई बेसन वाला उसको उसमें अच्छे से कोटेड करना। और यहाँ पे देखिए मेरे पापा आए हैं, बहुत दिन बाद आए पापा, हम लोग बुला लेते हैं पापा को, अब पापा बेचारे अकेले ही रहते हैं घर पर, तो फिर खुद अच्छा नहीं लगता है। मेरा बच्चा लोग दोनों ढूंढता है कि नानू मामू क्यों नहीं आते हैं, और पापा जैसे ही आते हैं बाबू लोग बोलने लग जाता है, नानू पैसा, बेटी तो नहीं बोलती है बाबू बोलता है। तो पापा बोलते हैं हाँ मैं तो इसीलिए आया हूँ, देंगे पैसा बेटा देंगे। अब मेरे साथ जब भी आएंगे पापा तो ऐसे ही बोलेगा। चलो अच्छा है पापा भी आ गए, तो पापा को भी मैं खिला दूंगी। ऐसे पापा को मैं जब भी खिलाती हूँ पापा खाना चाहते ही नहीं है, हमेशा ना 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 कुछ भी नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं। पता नहीं क्यों पापा लोग बेटी के घर का खाना खाना ही नहीं चाहते हैं। जब मैं चाय भी बोलूँगी तो चाय के लिए भी ना कर देते हैं, कभी भी हाँ तो बोलते ही नहीं है कोई भी चीज़ के लिए। और मैं दूंगी भी तो गुस्सा आते हैं, क्यों तुम दे रही हो, नहीं खाना चाहिए बेटी का, फिर भी मैं फोर्स करके देती हूँ खाने के लिए। और बोलेंगे मैं घर से खा के आया हूँ, पेट भरा हुआ है, ये वो बहाना करते हैं। और यहाँ पे मैं बहुत फोर्स कर रही थी फिर भी मना कर दिए, तो फिर ये बोलें कि एक या दो पीस खा लीजिए कम से कम, तो फिर एक दो पीस लिए। और मैं चाय भी बोले, चाय तो मना कर दिया, तो चाय नहीं बनाई मैं। और यहाँ पे देखिए टिक्का कितना अच्छा लग रहा होगा, देखिए जिसको फूलगोभी पसंद है उसको तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, जिसको नहीं पसंद है उसको अच्छा नहीं लगेगा। अब सच में बहुत टेस्टी होता है ये, बहुत टेस्टी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ये आपका वेज प्लेटर जो होता है उसमें रहता है, वेज प्लेटर में आलू का टिक्का, ये फिर इसका हरा भरा कबाब, पनीर टिक्का, ये सब रहता है, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो इनका तो हमेशा डिमांड रहता है, वेज प्लेटर में हमेशा फूलगोभी ढूंढेंगे। तो मैं इसलिए सोची कि चलो इनको जो पसंद है वही बनाती हूँ मैं। मशरूम रहता तो और भी अच्छा लगता खाने में, और थोड़ा सा बच गया था तो मैं सोची थोड़ा फ्रिज में रख देती हूँ, रात में अगर और बनाना हो तो मैं रात में बना लूँगी, अभी इतना ही बनाती हूँ, बहुत टाइम लगेगा बनने में। और जो पहनी हूँ, मतलब ये पहनी थी पहले, तो दूसरा कुर्ती पहनी थी, अब ऐसे ही जा रही हूँ, बिकॉज ये पहनने का रीज़न है मेरा, इवनिंग वॉक करने में अच्छा रहता है, कुर्ती वगैरह पहन के इवनिंग वॉक करना नहीं बनता है। तो मैं निकल रही हूँ मार्केट, इससे निकल रही हूँ मार्केट, निकल के दिखाऊंगी उसके बाद फिर आके बताऊंगी आपको। मेरी देवरानी के रूम के लिए अलमीरा देवरानी को चाहिए था, तो देवर तो पहले देख के आ चुके थे अलमीरा वगैरह, तो फिर देवरानी को बोले थे तुम जाके एक बार देख लो कौन सा पसंद है तुमको वो ले लेना। तो फिर वही देवरानी बोले कि चलिए अगर फ्री है तो देख लीजिए आप ही चल के, तो वही मैं आई थी देखने के लिए। यहाँ पे बहुत सारा अलमीरा था, अब उसको मतलब एकदम कॉफ़ी कलर में ही चाहिए था, तो हम लोग 2-3 दुकान में देखे, तो ऐसे तो 2 दुकान में पसंद आया हम लोग को। अब देखिए देवरी बताएंगे कौन सा उनको अच्छा लगा, देवरानी जाके बताएगी, एक तो पिक ली है वो तो दिखाएगी, तो वो जो बोलेंगे फिर वही देवरानी फाइनल करेगी। और हम लोग का ये फिर पुराना घर है तो हम लोग फिर फर्नीचर वगैरह नहीं बनाना पसंद करते हैं, इसलिए जब हम लोग न्यू घर लेंगे तो उसमें फुल फर्निश पूरा इंटीरियर के साथ में हम लोग बनाएंगे अच्छे से।
अभी टेम्प्रोरी ही लेना है, ऐसे कुछ वो नहीं है, जैसे मेरे रूम में आप लोग देखेंगे उसी टाइप का ही लेना है देवरानी को। अब हम लोग दूसरी जगह जा रहे हैं और देखने के लिए, बोली दो तीन जगह देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे कुछ हो चाहे मत हो, मेरे बाबू के लिए एक चेयर ली है और ये चेयर मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर वो देवरानी बोले कि ले लीजिए दीदी बहुत अच्छा है ये, तो बाबू देख के पूरा खुश हो गया। देखिए हाँ वो क्या है, कैसे उड़ेगा भाई, कहाँ पे भैया को बुलाइए ना, कैसा लगा बाबू का चेयर? ओ ग्रास ऊपर ओपनिंग कर दिया, सुपर पता है। हाँ अच्छा वही तो बोलो, बैठ जाओ कुछ नहीं होगा, नहीं काटता दीदी ये, बैठो दबाना मत, बैठो। हाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि छोटा मोटा चीज़ है इतना क्या दिखा रही है, मतलब वो हम लोग के लिए छोटा मोटा चीज़ है, बच्चा लोग के लिए ये सब चीज़ छोटा छोटा चीज़ ही, उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अब छोटा सा चेयर उसको मिल गया तो उसको कितना खुशी मिल रहा है, वही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि हाँ बच्चा लोग के लिए छोटा छोटा चीज़ ही बहुत खुशी लाता है, हम लोग के लिए है कि चलो कोई बात नहीं छोटा सा चीज़ है इतना कोई बड़ा बात नहीं है, और ये रहेगा तो बाबू भी फ्यूचर में देख पाएगा अपने आप को कि मैं इतना छोटा में था तो इतना छोटा चेयर के साथ बैठ के कितना खुश हो गया था। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है और आज मुझे जाना है पीटीएम में, और यहाँ पे मैं फटाफट से उठ के जो डेली करती हूँ वो कर रही हूँ, कहीं भी जाना हो हम लोग एक हाउसवाइफ को जो करना है वो तो करना ही है किचन में, तो मैं आप पे एक मिक्स भेज टाइप का बनाई हूँ, जो चना वगैरह पत्ता गोभी वगैरह जैसे जिस बिहारी स्टाइल में जैसे बनता है उस टाइप का बनाई हूँ मैं, और एक खीरा का भुजिया बनाई हूँ और दाल बन चुका है और राइस भी मैं बना दी और बस आटा गूंदना बाकी था, आटा गूंद के रख दूंगी, अगर रोटी खाना हो तो बनाऊँगी नहीं तो नहीं बनाऊँगी, बाकी सब तो खाना बन चुका है। आप बिलीव नहीं करेंगे अभी सुबह का 8 बज रहा है, 8 बज गया सारा काम कंप्लीट हो चुका है मेरा। मैं सुबह ही उठी थी, इतना दिन से मैं सोच रही थी कि इतना दिन डेली मैं सुबह उठती हूँ सैटरडे संडे को आराम से सोऊंगी मैं, फिर सडन पता चला कि मतलब मैसेज आ जाता है कि पीटीएम है तो जाना है, तो मैं सोची इनको भेज दूंगी, तो ये बोले कि हम नहीं मैं मतलब मैं नहीं जाऊँगा काम में मुझे तुम ही चले जाना, और ये है देखिए खीरा का भुजिया, कुछ नहीं नमक डाल के मैं बनाई हूँ, 5 फोरन नमक और सरसों का फोरन, देखिए बहुत टेस्टी बनता है इस टाइप का भुजिया, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, और एक तो दही डाल के बनता है, तो मैं सोची कि क्या दही वाला बनाऊँगी ऐसे ही भुजिया बना देती हूँ, और एक तो बनाई हूँ मिक्स वेज, दो से काम हो जाएगा। और हस्बैंड लोग का तो मूड पर डिपेंड करता है, उन लोग का जैसा मूड होता है वैसे उन लोग करते हैं, उनका खुद का मूड होगा तो वो ठीक चले जाएंगे, नहीं मूड होगा तो मुझे बोल देंगे, अगर वो बोल दिए तब तो मुझे जाना ही है, मैं ना नहीं कर सकती हूँ फिर। और ये भी सब्ज़ी लगभग हो चुका है पर अच्छे से नहीं हुआ है, ये आप लोग के साथ भी होता होगा कि हस्बैंड अगर कुछ बोल देंगे ना तुमको ये करना है तो करना ही है, और जो वाइफ नहीं सुनती उसका तो बात ही अलग है, वो तो कैसे भी नहीं सुनेगी अपने हस्बैंड का बात। और यहाँ पे देखिए मैं आटा गूंद के रख चुकी हूँ, आज इधर नहीं आएगा ना बेटा, मैं सिर्फ वो होगा पेपर चेक होगा, सिर्फ पेपर चेक होगा, तो आज पेपर चेक होगा तो उसमें हम मतलब कभी इसके पापा जाते हैं कभी मैं जाती हूँ, तो इसके पापा के पास टाइम नहीं है तो बोले तुम ही चले जाओ तो मैं जा रही हूँ आज, तो देखिए क्या स्कूल से कंप्लेन होता है, बच्चों का कुछ ना कुछ कंप्लेन होता ही रहता है कि हाँ बहुत टॉकेटिव है, बट घर में बिल्कुल बात नहीं करती है, स्कूल में बहुत बात करती है फ्रेंड्स लोग से, बिल्कुल नहीं जाऊंगा ऐसे बोल रहा था मुझे, और इनको खाना वो देखिए निकाल के खा लेंगे, और मैं बनाई हूँ सब्जी में मिक्स वेज एक और एक बनाई हूँ मिक्स वेज, क्या जो था घर में वही मैं बना दी, मिक्स वेज के लिए तो बहुत कुछ चाहिए होता है तो उसमें ही था, और एक बनाई हूँ खीरा का ऐसे ही भुजिया टाइप का, और दाल चावल और आटा गूंद के रखी हूँ, अगर रोटी खाने का मन होगा तो बाद में देखूँ बाद में बना दूंगी, ऐसे ही राइस खा लेंगे, तो मैं बस निकल रही हूँ राइस हम लोग यहाँ पे उतर चुके हैं, बस अब निकल रही हूँ मैं, वेट कर रही ना आप भाई के साथ जाती हूँ हमेशा, तो भाई आ रहा है, अगर ये नहीं जाते तो फिर भाई के साथ जाती हूँ,
गाड़ी लेके जाना बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पे, कार लेके जाना इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है मॉर्निंग के टाइम में। तो मैं भाई को ही बोली चलने के लिए, वो जाएगा, वो ड्रॉप कर, ड्रॉप क्या करेगा, साथ में लेके भी आएगा हम लोग को, तो बस आ रहा है तो निकल देंगे। ऐसे मॉर्निंग का टाइम है, हेलमेट की इतना ज़रूरत नहीं है, फिर भी हेलमेट हम लोग खुद का सेफ्टी के लिए पहनते हैं। और देखिए रास्ता में इतना ट्रैफिक भी नहीं है, 9 to 9:20 तक टाइम दिया हुआ है, तो अगर उतना देर में नहीं पहुँची तो फिर पेपर हम लोग को चेक करने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अब हम लोग जल्दी से जा रहे हैं। ये है मेरी बेटी का स्कूल कैंपस, बहुत ही बड़ा है। और ये देखिए, मैं आप लोग को सारा पेपर मैं दिखाऊंगी, कितना मार्क्स आया है मेरी बेटी को, तो आप लोग अच्छे से पेपर देख लीजिए। अभी रुकिए मैं अच्छे से दिखाती हूँ, ये शायद आप लोग अच्छे से नहीं पता चल रहा होगा, एक एक करके मैं दिखाती हूँ क्लोज से। तो ये देखिए, एक है 50 out of 50 था, ये 49 PVS में 48.5 50 मार्क्स का आपका था ये। अभी इन लोगों का 50 मार्क्स का ही होता है ऐसे, तो मतलब एक हिंदी में ही कम मार्क्स था उसका, 44 आया था, बाकी सब में 48.5 49 50 ऐसे ही सब में मार्क्स आया था, बहुत ही अच्छा मार्क्स आया था। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, कुछ मैम से बात हुआ, वो चीज़ तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, अलाउड भी नहीं होता है रिकॉर्ड करना। ये पास्ता मैं दी हूँ बेटा बेटी को खाने के लिए। अभी इवनिंग के टाइम में ये दूसरे चैम्बर में जा रहे हैं, इनका भी टाइम हो चुका है, जिम से आए थे अभी थोड़ा देर पहले ही। तो घर आई, घर आते ही मेरी बेटी बोली, मम्मा इतना अच्छा मेरा मार्क्स आया है, पिज़्ज़ा खिलाने लेके चलिए। तो मॉर्निंग में पिज़्ज़ा खिलाने कहाँ लेके जाऊँगी, लेके जाने से इनके बिना तो मैं जाऊँगी नहीं, ये जाएंगे तभी जाती हूँ मैं। और फिर बोली कि मम्मा मैं पास्ता खाऊंगी, मतलब मुझे नहीं बोली, अपने मामू से बोली कि मामू मुझे वाइट सॉस पास्ता खाना है। तो मैं ही मना कर दी, नहीं बाहर का नहीं खाना है, घर में चलो मैं घर में बना दूँगी वाइट सॉस पास्ता। तो बाहर से ही ये फिर मामू से चीज़ बटर नहीं था घर पे, वो खरीदवा के लेके आई और शुगर कैन जूस वगैरह पी। मैं तो बोली कि मैं बोली मुझे छोड़ दो तुम यहाँ पे घर पे, तुम फिर लेके चले जाना। तो वो मुझे ड्रॉप किया घर पे, फिर वो लेके चला गया। मुझे काम भी था घर पे, बाबू भी था घर पे ही, तो मुझे बाबू को भी देखना था। तो वो फिर अपने मामू के साथ अच्छे से घूम फिर के खा पी के मस्ती से आई, और घर में आई तो फटाफट मैं इसके लिए पास्ता बनाई, और कुछ कुछ काम था वो सब काम की, काम करने के बाद फिर खुद ब्रेकफास्ट की मैं। ब्रेकफास्ट करते करते आज बहुत लेट हो गया था, 12 बज गया था ब्रेकफास्ट करते करते। उसके बाद ये फिर आए चैम्बर से, चाय वगैरह इनको दी, देने के बाद फिर टाइम हो गया बाबू को सुलाने का। बाबू को सुलाई, सुला के अभी उठाई हूँ थोड़ा देर पहले, उठाने के बाद उसको कुछ खिला पिला रही हूँ, बस अभी बैठ के ही बेटी को भी खिला रही हूँ। ये दोनों बेटा बेटी को देखिए, प्यार देखिए, मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, दोनों आपस में मस्ती करा रहा दें। उस साइड पर बैठो, सर को उस साइड करो। तो और मैं अभी जा रही हूँ चाय बनाने, चाय पीने का मन कर रहा है बहुत, और ये नहीं रहती तो पता नहीं क्यों मेरे को एकदम भी चाय बना के खुद के लिए पीने का मन ही नहीं करता एकदम भी। फिर भी अब ये आएंगे रात में 9:30 तक, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बना के पी लेती हूँ, कभी भी छोड़ देती हूँ, नहीं पीती हूँ। तो अभी तो बहुत मन कर रहा है पीने का, और बाद में कोई काम है कि नहीं है मार्केट में वो तो मुझे नहीं पता अभी। सो गाइस, मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।